हुए छह पीढ़ी हो गई, वो तीन मांगा था हमारे सबके पास रिकॉर्ड छह छह पीढ़ी का है, तो हम अपनी बात क्यों ना कहें जब हमारे पास उस तरह का रिकॉर्ड है और वास्तव में है, कोई उसमें छिपी बात नहीं। तो जब हमारे पास रिकॉर्ड है तो हमें अपनी बात कहने में क्या दिक्कत है? और खेत उसी जंगल के अंदर वो मक्का और वो सारे चीजों की खेती करते थे पेड़ों के बीच में, और उसी में वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। महबूब नगर, मोतीपुर, नाजिरगंज, तारा नगर ये सब फिक्स टांगिया सेंटर थे, और इसके अलावा बाकी लोगों को आगे बढ़ाता नहीं है। ककराहा के पास जो जंगल लगा है वो किसने लगाया, मोतीपुर के पास लगा है वो किसने लगाया, और जब भी आप जाओ मीरपुरवा जाओ बहराइच जाओ तो निहारते हुए जाओ कि कौन जंगल सीधी लाइन में लगा हुआ, और कौन कौन से पेड़ आपके पुरखों ने लगाए हैं। जामुन का पेड़ लगाया है, सागौन लगाया है, हल्दू लगाया है, असना लगाया है, ये सारे पेड़ लगाए हैं। ये पूरा जंगल एक बार कट चुका है 1914-15 में, उसके बाद ये दोबारा लगा है। और देख लीजिए कतरनिया में कहीं साखू का पेड़ नहीं, किसान गाड़ा में मिलेगा। हम लोगों के हाथे कट करके फार्म खोला। हाँ, अब यहाँ ये 570 एकड़ हेक्टेयर में जो फार्म खुला ये पेड़े कट करके खुला था। हमने जो पेड़ लगाए इसके अलावा जो लेट करेगा, लेकिन आपका पड़ोसी आपको बचाने में लेट नहीं करेगा। आग लग जाए चाहे जो भी हो जाए, पड़ोसी आपका आपके भगवान से भी बड़ा है। तो पड़ोसी की हजार गलती आपको माफ करनी पड़ेगी। वो बकरी पाले है तो आपका टेंशन, मुर्गी पाले है तो आपका टेंशन, वो जात का दूसरा है तो आपका टेंशन, वो ईटा चाटो रख लिए तो आपका टेंशन। बीच गांव में जहां कोई नहीं पहुंच पाता है, घर के अंदर कोई आदमी लेटरिन बनवा रहा है और उसकी सूचना अगर वहां पर रंजनी पहुंच रही है, तो इसके मतलब कि गांव में इतने गद्दार बैठे हुए हैं कि वो आत्महत्या करने वाले हैं, वो किसी का कल्याण करने वाले नहीं। क्या पाओगे आप लोग का अगर? और आपने जो काश्तकार थे जिनको खेती दी गई थी उनको तो कुछ था, लेकिन जिनसे आप मजदूरी ले रहे थे मजदूर को कौन सा रिकॉर्ड आप दे रहे? जब मजदूरी नहीं दे रहे थे तो रिकॉर्ड कहाँ से आप देते? हम बन गया, तभी आते हैं जंगल लोग तो बोलते हैं कि इसको उजाड़ देंगे, नोच देंगे, उसको हटाइए, जल्दी हटाइए। तो हमने बोला कि हम लोग कहाँ जाएंगे, इतना साल से बसे हैं पुरखा पुरानिया, हम लोग को कुछ पते नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तभी लोग बार बार आते हैं यहाँ उजाड़ने के लिए, खेत भी नहीं जोतने देते हैं। कितने लोग के जमीन है उन लोग के भी जोतने नहीं देते हैं। वैसे हमारे पुरखा लोग यहाँ बसे थे, हम लोग मजदूरी करने आए थे, हमारे पुरखा लोग आए थे, और गोरखपुर हमको नहीं पता है, हम लोग यहाँ निवासी यहाँ। महबूब नगर में तो बहुत समस्या है, कोई समस्या का समाधान ही नहीं हुआ है अभी तक। परिवार रजिस्टर तो है ही नहीं, और 2024-25 तक आशा लगाए थे कि वो डालने मिलेगा, वो भी अब नहीं मिलेगा, और टंकी लग रही है बगल में, उसका पानी भी हम लोग नहीं पाएंगे, नल भी नहीं है। बड़कवा उजुन का है टंकी, तो उसके लिए मतलब ये देखा जाता कि आज हमारे मम्मा नहीं है तो कल प्रधान लोग हमको नहीं देंगे कि तुम जंगल में हो। मैं शौचालय करा दूंगा, ये निश्चिंत है। क्यों भैया, मैंने कैलाश नगर में कहा था ना 10 जनवरी तक पैसा आ जाएगा, मैंने 30 दिसंबर तक पैसा 2022 में कटवा दिया था ना, और लोगों ने बनवा दिया। कैलाश नगर के एक अंदर क्वालिटी है कि बेचारे उन्होंने हमसे संकल्प लिया कि भैया मैं एक रुपया नहीं खाऊंगा भैया, और उन्होंने खाया भी नहीं। मैंने 53 लोगों को दिया अपने पास से लगा करके, 53 लोगों को मैंने दिया, और एक हफ्ता के अंदर 53 लोगों ने बना दिया, मुझे कितना खुशी है। गलत तो नहीं कह रहे, और फिर जो छूट गए हैं वो भी आ जाएंगे। और बात रही रास्ता की, मैं चाहता हूँ कि टिड़िया और ढकिया ये दोनों हमारा कर्म भूमि है, जन्म भूमि तो नहीं है हमारा, ये कर्म भूमि है। मैं इन गांवों से पढ़ाई किया हूँ, लिखाई किया हूँ, मछली बेचा हूँ, उन्हीं का पैसा है आपका। अगर मैं मछली बेचने गया, पैसा मुझे मिला, मैं पढ़ाई किया, जीतेंगे।